हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक कमांड्स को हम जानेंगे, जिनका यूज़ करके जो है आप कंसोल में काफ़ी हद तक जो है अपनी काम करने की क्षमता जो है बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कंसोल में काम करने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सीधा कमांड प्रॉम्प्ट को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके ही रन करूँगा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बहुत सारे कमांड्स ऐसी होती है फ्रेंड्स, वो वर्क नहीं कर पाते, उसके लिए दोबारा झंझट हो, उससे बढ़िया पहले सी में रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो हूँ रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंसोल जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये लैब नाम का फोल्डर है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं, एक फोल्डर बना हुआ है अंदर शिवम सिंह के नाम से, ठीक है, और बाकी यहाँ कुछ नहीं है। इस फोल्डर को मैं इधर रखता हूँ ताकि इस फोल्डर में हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे देखिए, मैं इस टाइम जो मेरी करंट डायरेक्टरी है वो सी ड्राइव में विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर मैं अभी करंट में यानी कंसोल के अंदर हूँ, लेकिन मेरे को अभी इस फोल्डर के अंदर आना है जो कि डेस्कटॉप में लैब नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो इसके लिए मैं अभी डायरेक्टली जो यहाँ से इसका पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सी डी स्पेस इस पाथ को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। तो अब देखिए, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे DIR कमांड डाल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि इस फोल्डर के अंदर खाली शिवम सिंह नाम की जो है डायरेक्टरी और बाकी इस फोल्डर के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बेसिक कमांड्स की। CD कमांड का तो आपने यूज़ देख ही लिया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे किसी भी फोल्डर को अगर हमें क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कमांड है MKDIR और यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम देता हूँ 1। ठीक है, मैंने फोल्डर का नेम यहाँ 1 दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक 1 नाम का जो है फोल्डर जो है यानी डायरेक्टरी आ चुकी है। ठीक है, अब हमें ये जानना है, हमने फ़िलहाल तो इस कमांड से ये बात जानी है कि हम सिंगल फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है। अगर हमें एक ही डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मुझे 1 के अंदर 2B फोल्डर क्रिएट करना है, 3 नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, 4 नाम का क्रिएट करना है उस फोल्डर के अंदर, तो कैसे करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें कमांड डालनी है MKDIR और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जो है एक नया नाम का फोल्डर बने मिस्टर बॉट नाम से, तो मैंने मिस्टर बॉट लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बॉट के अंदर जो है एक यूट्यूब नाम का फोल्डर मिले यानी क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखिए यहाँ मैजिक, मैंने एंटर किया और यहाँ पे जो है टेस्ट के अंदर मिस्टर बॉट के अंदर यूट्यूब। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टेस्ट के अंदर मिस्टर बॉट और मिस्टर बॉट के अंदर यूट्यूब, यानी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमने इस कमांड से जाना। अब यहीं पे हमें एक कमांड और सीखनी है, सेम कमांड है MKDIR। हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि सेम करंट लोकेशन पे, अभी मेरी करंट लोकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इस टाइम लैब नाम के फोल्डर में हूँ, मेरे DIR से पता कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मेरे को ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि सेम इसी यहीं पर 2 फोल्डर क्रिएट हो जाए या 2 से ज़्यादा फोल्डर क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए कमांड है MKDIR, सेम कमांड है। अब यहाँ पे मैं एक EXP नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ और साथ में MK नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ और एक विंडोज़ नाम का फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने 3 फोल्डर प्रेजेंट टाइम में यानी करंट टाइम में, जैसे मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो 3 फोल्डर एक बार में क्रिएट हो जाएंगे, हमें बार बार कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है MKDIR। मैंने यहाँ पे एंटर किया और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैजिक, मैंने क्या किया, MKDIR से EXP MK और विंडोज़ नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया है। ये देखिए, ये 3 फोल्डर्स एक ही कमांड से सेम टाइम पे हमने क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, ये था फ्रेंड्स फोल्डर क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट। अब हम जानते हैं कि फोल्डर को रिमूव कैसे करना है। अब मुझे यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि MK नाम का फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाए, तो इसके लिए कमांड है RMDIR स्पेस, कौन सा फोल्डर डिलीट करना है मेरे को, MK, तो यहाँ फोल्डर नेम और कर देना है आपको एंटर। अब यहाँ से देखिए MK नाम का फोल्डर डिलीट हो गया। RMDIR कमांड चलाने से यानी जब आप किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं तो ये फोल्डर जो है आपसे कुछ भी परमिशन नहीं मांगता, सीधा डायरेक्टली रिमूव कर देता है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी फोल्डर को अगर आप डिलीट करें तो आपका कंप्यूटर आपसे एक बार येस और नो में पूछे, कन्फर्म करे कि वाकई में आप जो हैं उस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो इसको कैसे करना है, तो इस कमांड को आप तो आपको जो है इस कमांड को ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है rmdir स्पेस, मैं वन नाम का जो फोल्डर हूँ यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। अब इसके आगे आपको स्पेस लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है आपको /s। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी आपसे ये येस एंड नो में पूछ रहा है। अभी आपसे पूछेगा RMDIR में क्या किया था, इसने डायरेक्टली रिमूव कर दिया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है येस एंड नो में। अगर मैं नो करूँगा एंड प्रेस करूँगा अपने सिस्टम से यानी कीबोर्ड से तो ये फोल्डर को रिमूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से वाई प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो देखिए फोल्डर इसने डिलीट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये वाली कमांड जो है वर्क करती है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर ले रहा हूँ स्क्रीन को। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमें यहाँ पे अब किसी भी फोल्डर को रीनेम करना है तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे मैं रिन कमांड का यूज़ करूँगा, REN, ठीक है। रिन कमांड का यूज़ किया मैंने, मैं चाहता हूँ कि exp वाला जो फोल्डर है इसका नाम मैं चेंज करूँ। तो इस फोल्डर के लिए नाम चेंज करने के लिए पहले मेरे को यहाँ पे exp लिखना है। मैं चाहता हूँ कि इस फोल्डर का नाम चेंज हो जाए किस में, www में। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए जो exp वाला जो फोल्डर था ये रीनेम हो गया है www में। तो देखा आपने, इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जानना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो है कैसे किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक कमांड डालनी है, कॉपी कौन, ठीक है, स्पेस देके कौन। अब आप किस नाम की कौन सी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एमएस एक्सेल की या नोटपैड की .txt फाइल, किसी भी फाइल को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस फाइल का नेम देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल का नेम देता हूँ राइट, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो है txt फाइल मिले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी कौन write.txt। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखिए फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी, क्रिएट हो गई है, ओपन हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है। शो कैसे होगी, क्योंकि इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर दिया, अब ये बोल रहा है कि इसमें आप क्या डेटा लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे मिस्टर बॉट लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ इसको सेव करने के लिए और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। तो ये जो डेटा है जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, देखिए write.txt यहाँ पे दिख रही है ना, जो हमने फाइल क्रिएट करी इसके अंदर क्या डेटा लिखा था हमने, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और लास्ट में मैंने मिस्टर बॉट लिखा था, ठीक है। तो अब ये डेटा जो है हमारी इस फाइल के अंदर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है आपको मिल गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको लास्ट में इतना ध्यान रखना है एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रा ज़रूरी है। ऊपर हमने फ्रेंड्स रिन कमांड से क्या किया था, पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमने वहाँ पे फोल्डर का नेम चेंज किया था। अब मैं इसी कमांड से अगर मेरे को यहाँ पे किसी फाइल का नेम चेंज करना हो तो कैसे करोगे, तो इसके लिए भी सेम कमांड है। आप यहाँ पे रिन कमांड लिखिए, फाइल नेम लिखिए write.txt, किस नेम में चेंज करना चाहते हैं आप, मैं लिखना चाहता हूँ मिस्टर बॉट में, ठीक है, mrbot.txt। एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए इस कमांड को मैंने दोबारा बताया कि ताकि जो है आप अच्छे से आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए। अब मेरे को यहाँ पे कर देना है एंटर। तो यहाँ पे देखिए जो write.txt नाम का जो हमारी ये फाइल थी .txt, ये जो है mrbot.txt में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी इसका नेम जो है रीनेम सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। इस कमांड से ये होता है। अब हमें एक सिंपल सी कमांड को जानना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे cmd में, अब सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पे सिस्टम इन्फो, ये कमांड है जो आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करती है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करेगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं अपनी कमांड बना लूँ, मैं किसी और के सामने इस कमांड को अगर एंटर करूँगा तो वो पता लगा लेगा कि इस तरीके से हम देख सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप इस कमांड को अपने नाम के साथ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना है। आपको कंसोल में आना है और यहाँ पे
टाइप करना है डॉस की, ठीक है, डॉस की स्पेस। सबसे पहले तो अब आपको जो है उस किस नाम का आप कमांड जो है बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड बनाना चाहता हूँ मिस्टर बॉट के नाम से, मिस्टर बॉट के नाम से मैं कमांड बनाना चाहता हूँ और स्पेस देना है। अब आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, अब यहाँ पे फिर स्पेस देना है। किस नेम के साथ मैं चाहता हूँ कि ये कमांड जो है वर्क करे, तो हमने यहाँ पे सिस्टम इन्फो अप्लाई की थी, सिस्टम इन्फो मैंने यहाँ पे डाला, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अगर मैं अब अपने कंप्यूटर में मिस्टर बॉट नाम का कमांड जो है एंटर करूँगा कंसोल में, तो देखिएगा वो सिस्टम इन्फो जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं सीएमडी में आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं मिस्टर बॉट जो हूँ टाइप करता हूँ, मिस्टर बॉट। जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए अभी ये कमांड जो है यहाँ पे रन नहीं हुई। किस लिए रन नहीं हुई थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कमांड को अब मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, क्योंकि वो एडमिन से लॉगिन नहीं था। मैं यहाँ पे रन करता हूँ मिस्टर बॉट, तो ये देखिए यहाँ पे जो है कमांड जो है वर्क कर रही है। वहाँ पे इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैं एडमिन से लॉगिन नहीं था। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी कमांड को जो है रिप्लेस कर सकते हैं, यानी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, अपनी खुद की कमांड जो है बना सकते हो। वो कमांड जो है विंडोज़ के अंदर जो पहले से है वो तो फ्रेंड्स वो रहेगी, ठीक है, लेकिन आप अपने नेम के साथ जो है उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो, कहीं पे भी आप अगर अपने ऑफिस वगैरह में कहीं पे इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो काफ़ी एक अच्छा लगता है। हर किसी को पता नहीं लग पाता कि आप एकदम से क्या कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आपको किसी फाइल को हाइड करना है या किसी फोल्डर को हाइड करना है, उसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा है, अगर आपको उसको हाइड करना है तो आप कैसे करेंगे? सिर्फ कंसोल की हेल्प से बात कर रहा हूँ मैं, यूआई की हेल्प से नहीं, ठीक है। कंसोल में कैसे हाइड करना है, तो उसके लिए आपको कमांड है एट्रिब। आपने यहाँ पे एट्रिब लिखा, इसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है और एच लिख देना है। क्या करना है हमें, हाइड करना है। अब आपको स्पेस देना है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि विंडोज़ नाम का जो फोल्डर है वो हाइड हो जाए, तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ लिखा और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो अब जो है विंडोज़ नाम का फोल्डर जो है देखिए हाइड हो चुका है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है मेरे को, इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से हिडन फाइल्स को शो किया हुआ है, ठीक है। अब इसको बंद कर दूंगा तो नहीं आएगा। अब मेरे को ये करना है कि ये जो फाइल जो है मैंने जो फोल्डर जो है हाइड किया था, इसको अनहाइड करना है। तो इसके लिए सेम कमांड डालनी है आपको एट्रिब, और यहाँ पे प्लस की जगह आपको माइनस का सिंबल यूज़ करना है, एच करना है, और फोल्डर नेम आपको यहाँ पे दे देना है। तो अब देखिए मैजिक, ये देखिए विंडोज़ नाम का फोल्डर जो है आ चुका है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, यानी पता क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं या किसी भी फाइल को इस कमांड से। बहुत ज़रूरी कमांड है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, एक छोटी सी कमांड है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छी कमांड है। अगर आप चाहते हैं, आप यहाँ पे देखिए जो मेरा कंसोल है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा नाम आए लिखा हुआ, तो इसके लिए कमांड है टाइटल TITLE स्पेस, मैं नाम लिखता हूँ मिस्टर बॉट, चैनल का नेम दिया मैंने और एंटर कर दिया, और देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर बॉट जो है यहाँ पे रीनेम हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ पे टाइटल जो है इसका, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कंसोल का टाइटल है चेंज कर सकते हैं टाइटल कमांड से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कमांड बता रहा हूँ, वो एम आई, मैं कौन हूँ। जैसे आप मैं यहाँ पे कंप्यूटर में इस कमांड को एंटर करेंगे तो देखिएगा आपका कंप्यूटर क्या बताता है, मैं मिस्टर बॉट नाम के यानी कंप्यूटर से लॉगिन हूँ जो उसका होस्ट है, और उसके अंदर मैं यूज़र जो है वो मिस्टर बॉट है। तो चलिए एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। मेरे को अपने माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेम क्या है, मिस्टर बॉट, ठीक है, ये वाला जो है। अब इस सेकेंड टाइप में जो मिस्टर बॉट लिखा है ये आपका यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम जो है यहाँ से दिखा रहा है, ये देखिए ये यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम जो है शो कर रहा है, आपको बता देगा कि आप जो हो कौन हो, आपके जो यानी सिस्टम की जो प्रोसेस यानी जो नेम है और आपके अकाउंट का जिससे आप करंट में लॉगिन हो वो ये इजीली बता देता है। तो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कि हम किस अकाउंट से लॉगिन हैं और उस कंप्यूटर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में था सिर्फ इतना ही।
अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और साथ में जो है फ्रेंड्स नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगले वीडियो जो है किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो हूँ बना सकूँ। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।